अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। सो दैट रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम पेरीमीटर विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस ए इज ए स्क्वेयर ऑफ साइड ए रूट टू। कोई सर्कल गिवन है जिसका रेडियस क्या है, ए है, इस तरह से कोई सर्कल गिवन है, उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी रेक्टेंगल्स को इंस्क्राइब कर सकते हैं। बहुत सारी रेक्टेंगल्स को हम इसके अंदर इंस्क्राइब कर सकते हैं अलग अलग डायमेंशन की। जैसे एक रेक्टेंगल ये कर दें इंस्क्राइब, तो उन रेक्टेंगल्स में से जिसका मैक्सिमम पेरीमीटर जिस रेक्टेंगल का होगा वो रेक्टेंगल क्या होगी, स्क्वेयर होगी, और उस स्क्वेयर की साइड ए रूट टू होगी। देखो इस सर्कल के अंदर, हम मैं एक अलग सी फिगर बना लेता हूँ समझाने के लिए। कोई भी सर्कल है तो उसकी उसका रेडियस फिक्स कर दिया है ए, उसमें हम कुछ नहीं घटा सकते, कुछ नहीं बढ़ा सकते। उसके अंदर रेक्टेंगल इंस्क्राइब कर रहे हैं, उसके अंदर कितनी रेक्टेंगल्स हम इंस्क्राइब कर सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी। इंस्क्राइब का मतलब रेक्टेंगल उसके अंदर हो, सर्कल उसको कवर कर रहा हो, रेक्टेंगल बाहर नहीं हो उस सर्कल के। तो हम बहुत सारी रेक्टेंगल ऐसी बना सकते हैं इसके अंदर, एक बन गई, दो बन गई, कितनी बनेंगी, इनफाइनाइट मैनी बनेंगी। इसमें देखो ये बनने लग रही हैं, सभी रेक्टेंगल ही तो हैं इसके अंदर, है, टच कर रहे हैं कॉर्नर्स इसके, एंड पॉइंट्स। अब और भी बना सकता हूँ मैं अलग अलग लेंथ की, तो ये अब हम शो नहीं कर सकते यहाँ पर कितनी बन सकती है, इनफाइनाइट मैनी। भाई ये लेंथ इतनी ले लें, एक बार लेंथ थोड़ी सी कम ले लें, फिर हाइट ले लेंगे ऊपर, तो ऐसे इनफाइनाइट मैनी रेक्टेंगल्स बनेंगी। उन रेक्टेंगल्स में से क्वेश्चन में ये प्रूव करवाया गया है कि जिस रेक्टेंगल का पेरीमीटर सबसे ज्यादा होगा वो रेक्टेंगल क्या होगी, एक स्क्वेयर होगी। वो रेक्टेंगल क्या होगा, एक स्क्वेयर बनेगा। उस रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। जब उसका पेरीमीटर सबसे ज्यादा बनेगा जिस रेक्टेंगल का, उस रेक्टेंगल वो रेक्टेंगल क्या होगी, स्क्वेयर होगी। तो देखो इस सर्कल का रेडियस हमने ए मान लिया, ये इसका सेंटर हो गया और ये रेडियस हो गया जैसे। तो ये एंगल इन सेमी सर्कल कितने डिग्री का होता है, 90 का। सेमी सर्कल में एंगल 90 डिग्री का होता है, तो सेंटर यहाँ पर है, तो इसको ज्वाइन करने वाली लाइन क्या करेगी, इसके दोनों एंड पॉइंट्स को टच करेगी, क्योंकि यहाँ पर एंगल रेक्टेंगल में कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। और ये इस किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑफ 90 डिग्री। तो इन दोनों पॉइंटों को जोड़ने वाली लाइन किससे गुजरेगी, सेंटर से, और ड्यू टू सिमेट्री भी किससे गुजरेगी, सेंटर से। रेक्टेंगल सिमेट्रिक फिगर होती है, आधी इधर रहेगी आधी इधर, जो भी है ये हाफ हाफ सिमेट्रिक फिगर है। और वैसे भी ए और सी को ज्वाइन करने वाली लाइन सेंटर से जरूर गुजरेगी, क्यों, क्योंकि यह एंगल 90 डिग्री है, और हमने ये थ्योरम पढ़ रखे, एंगल अगर 90 डिग्री है एक तरफ किसी कोण के, तो वो क्या होगा, वो लाइन किससे गुजरेगी, सेंटर से। एसी लाइन सेंटर से पास कर रही है, कंफर्म हो गया है, क्योंकि एंगल 90 डिग्री है। तो इसका रेडियस गिवन है, कॉन्स्टेंट है ए। हमें तो प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल है, इसका पेरीमीटर सबसे ज्यादा कब होगा, जब ये स्क्वेयर बनेगी। तो उसके लिए मैं मान लेता हूँ इसकी लेंथ एक्स है, वाई ब्रेथ है। एक्स और वाई बदल रहे हैं, वेरिएबल है, कभी ये छोटा हो जाता है, ये बड़ा हो जाता है, ऐसे एक्स और वाई की लेंथ और ब्रेथ है, उनकी वैल्यू चेंज हो रही है, वेरिएबल है। देखो हमने नीचे फिगर बनाया है, इनफाइनाइट मैनी रेक्टेंगल्स वी कैन फॉर्म। इनमें से जिसका पेरीमीटर सबसे ज़्यादा होगा जिस रेक्टेंगल का, वो क्या होगा, स्क्वेयर होगा। तो पेरीमीटर लिख लेता हूँ मैं इस रेक्टेंगल का, पहले तो इसमें कंडीशन निकाल लेता हूँ एक्स और वाई में, क्योंकि दो वेरिएबल हैं, इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। पेरीमीटर क्या होगा वैसे, 2 × x + y, लेट एक्स बी एंड वाई बी दी लेंथ एंड ब्रेथ होती रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन दी सर्कल, सर्कल के अंदर है रेक्टेंगल गिवन है। तो दो वेरिएबल हैं, एक एक्स और एक वाई, तो हम इसको एक वेरिएबल में बदल लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, इन ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू
ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, तो ए सी की वैल्यू है 2a का स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, 4a स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, और वाई स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी 4a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं रूट फोर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, वाई की वैल्यू आ गई है। अब जो पेरीमीटर है उसकी में वाई की वैल्यू भी एक्स में आ गई, एक्स तो एक्स में है ही, तो कंप्लीट जो पेरीमीटर है वो एक वेरिएबल में चेंज हो गया है। पेरीमीटर की वैल्यू आ गई 2 × x प्लस रूट फोर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। अब हम इसकी मैक्सिमम मिनिमम चेक कर सकते हैं क्योंकि फंक्शन आ गया है जिसका हमें मैक्सिमम मिनिमम चेक करना है, पैरामीटर फंक्शन। ये एक वेरिएबल में आ गया, यहाँ पर दो में था, तो एक वेरिएबल में आने के बाद हम इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो हम डेरिवेटिव करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dp/dx होगा 2 × x का डेरिवेटिव 1 प्लस, इसका डेरिवेटिव करेंगे सबसे पहले पावर का होगा, पावर जो भी है वो आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, 1/2 में से एक पावर कम करेंगे -1/2, और फिर डेरिवेटिव होगा जो पावर के अंदर जो कुछ है उसका होगा। तो 2 × 1 + 1/2, ये पावर -1/2 है, नीचे जाकर प्लस हो जाएगी, और इसका डेरिवेटिव करेंगे 4a² कॉन्स्टेंट का 0 और एक्स स्क्वेयर का 2x, माइनस भी है साथ में तो -2x, तो 2 से 2 कैंसिल, और dp/dx आ गया 2 × 1 − x/√4a² − x². अब हम लिखेंगे फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, dp/dx इज इक्वल टू 0। dp/dx को किसके इक्वल रखें हैं, 0 के, मैक्सिमम मिनिमम निकालना है तो 0 के इक्वल रखते हैं इसकी वैल्यू, तो ये बन जाएगा 2 × 1 − x/√4a² − x² इज इक्वल टू 0। 2 डिवाइड में चला जाएगा, 0 हो जाएगा, ये बन गया 1 − x/√4a² − x² इज इक्वल टू 0। ये माइनस है, इधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो डिवाइड में ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, वैल्यू ये आ जाएगी हमारे पास एक्स के इक्वल। अभी हमें एक्स निकालना है, तो एक्स के लिए क्या करें, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 4a² − x² इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, दिस इम्प्लाइज -x² इधर जाकर प्लस का होगा तो 2x², और 2 से डिवाइड करेंगे तो 2a² इज इक्वल टू x², और अब हम स्क्वेयर रूट लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू √2a, बिकॉज लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव, तो इसलिए मैंने प्लस साइन लिया है रूट के बाहर, इसका स्क्वेयर रूट कर दिया। तो जब x की वैल्यू √2a है तब ये फंक्शन या तो मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम होगा। तो इसमें जो इजी मेथड लगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, तो उससे भी कर सकते हैं, डबल डेरिवेटिव अच्छा लगे उससे कर सकते हैं। इसमें हम डबल डेरिवेटिव कर सकते हैं, तो मैं डबल डेरिवेटिव से कर रहा हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना है। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो d²p/dx² किसके इक्वल होगा, 0, 2 का तो 0 और 1 का, 2 सॉरी बाहर रहेगा और 1 का 0, और इसका कैसे होगा, माइनस भी बाहर ले लेते हैं, u/v से होगा, नीचे तो v का स्क्वायर हो जाएगा 4a² − x², और ऊपर x का 1, और ये एज इट इज माइनस, ऊपर वाला x एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव होगा 1/2√4a² − x², और फिर 4a² − x² का होगा
क्योंकि इसका कर रहे हैं हम डेरिवेटिव यू बाई वी से, तो पहले पावर का होगा, फिर पावर के अंदर है उसका हुआ 4a² का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से वैल्यू आ गई -2, नीचे तो 4a² माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका एलसीएम लेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 4a² माइनस एक्स स्क्वायर, और ये नीचे आ जाएगा √4a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, एक्स इजिक्वल टू √2a पर कितनी है 2a², तो 2a² यहाँ रखेंगे तो क्या वैल्यू आ रही है, देखो -2 / 2a² बन जाएगा, 4a² -2a² और √2a² एक्स स्क्वायर की जगह, तो ये सब पॉजिटिव वैल्यू हैं, बाहर नेगेटिव है तो क्या आ गया नेगेटिव, और नेगेटिव आ गया है डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया है एट एक्स इजिक्वल टू √2a पर, तो क्या बन गया पेरीमीटर पी इज मैक्सिमम, पी क्या चीज़ है पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर मैक्सिमम आ गया है एट एक्स इजिक्वल टू √2a पर। तो ये और प्रूव करना है कि स्क्वेयर की साइड √2a होगी, तो वाई की वैल्यू और निकाल लेते हैं, वाई की वैल्यू क्या थी √4a² माइनस एक्स स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 2a² होगी, 4a² माइनस 2a², ये वैल्यू आ गई 2a² का √√2a, वाई की वैल्यू भी वही आई है जो एक्स की आई है, दोनों इक्वल आ गए, तो हम कहेंगे क्या बन गया ये स्क्वेयर बन गया। तो जिसका मैक्सिमम पेरीमीटर जब पी मैक्सिमम होगा उस समय लेंथ और ब्रेथ क्या रहेंगी इक्वल, मींस क्या फिगर बनेगी जब पी मैक्सिमम होगा उस, वो जो फिगर है वो क्या होगी स्क्वेयर होगी, वो फिगर क्या होगी स्क्वेयर होगी, रेक्टेंगल ना होकर स्क्वेयर होगी, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ क्या आ रही इक्वल, और किसके इक्वल आई है √2a के, तो उस स्क्वेयर की साइड होंगी हमारे पास √2a। तो इस तरह से किया है, तो पहला काम है जिसको भी मैक्सिमम मिनिमम शो करना है वो फंक्शन बनाया जाए, उसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल है तो उसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट किया जाए, फिर उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया जाए, और फिर डेरिवेटिव को 0 के इक्वल किया जाए, वहाँ से जो वेरिएबल है उसकी वैल्यूज आएंगी, और उन वैल्यूज पर या तो मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम, तो उसके लिए जो जो डेरिवेटिव टेस्ट इजी लगे उस क्वेश्चन के हिसाब से वो लगाएंगे, जिसमें डेरिवेटिव करना इजी हो उसमें डेरिवेटिव करेंगे, और जिसमें डेरिवेटिव करना इजी नहीं हो उसमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करेंगे। तो इसमें हमने डबल डेरिवेटिव किया है क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था, तो डबल डेरिवेटिव से हमने चेक कर दिया इसकी वैल्यू नेगेटिव आई, इस पॉइंट पर नेगेटिव आ गई तो मैक्सिमम हो गया, तो एक्स की वैल्यू आ गई थी वाई की और निकाल ली, दोनों वैल्यू इक्वल आ गई तो क्या बन गया स्क्वेयर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज 8 सेंटीमीटर, अब क्वेश्चन नंबर 9 है, दी पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज 8 सेंटीमीटर, किसी ट्राइंगल का पेरीमीटर गिवन है हमें 8 सेंटीमीटर, वन ऑफ दी साइड इज 3 सेंटीमीटर, उसकी एक साइड भी गिवन है 3 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड सच दैट ट्राइंगल हैज मैक्सिमम एरिया, उसकी बाकी बची हुई दो साइड निकालनी है हमें कि ट्राइंगल का एरिया मैक्सिमम हो जाए, तो ट्राइंगल का पेरीमीटर गिवन है 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर ट्राइंगल का पेरीमीटर गिवन है, तो 8 सेंटीमीटर के हम बहुत सारी ट्राइंगल बना सकते हैं, उन ट्राइंगल्स में जिसका मैक्सिमम एरिया हो हमें वो ट्राइंगल चाहिए, और जिसकी एक साइड फिक्स है 3 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, उसकी टोटल लेंथ साइड्स की क्या बन रही है बाउंड्री की मेजरमेंट को क्या बोलते हैं पेरीमीटर, तो ट्रायंगल की जितनी भी साइड है उन सब की लेंथ है जो है उनका सम क्या कहलाएगा पेरीमीटर। तो उसने कहा है पेरीमीटर ट्रायंगल का 8 होना चाहिए, और एक साइड दे रखी है 3 सेंटीमीटर, उसकी बची हुई दो साइड निकालो कि उस ट्रायंगल का एरिया क्या आ जाए मैक्सिमम आ जाए, तो बची हुई हम दो साइड निकाल रहे हैं, तो ऐसी ट्रायंगल कितनी बनेंगी इनफाइनाइट मैनी, तो इन ट्रायंगल्स में से हमें कौन सी ट्रायंगल चाहिए जिसका एरिया सबसे ज़्यादा हो वो ट्रायंगल फाइंड आउट करनी है, तो लेट मैं कर लेता हूँ ए सेंटीमीटर एंड बी सेंटीमीटर बी दी टू साइड्स ऑफ दी ट्रायंगल, मान लिए ट्रायंगल की दो साइड है और सी मान ली मैंने थर्ड साइड सी,
तो ये बन गया हमारे पास ए बी सी ट्रायंगल। मान लिए ए बी सी, इस ट्रायंगल की एक साइड गिवन है 3 सेंटीमीटर, दो साइड हमें फाइंड करनी है। कैसी फाइंड करनी है? जिसका पेरीमीटर उस ट्रायंगल का मैक्सिमम, सॉरी उसका एरिया मैक्सिमम आ जाए, उस ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम आ जाए। पेरीमीटर तो हमें गिवन है, उसमें कोई कम ज़्यादा हम नहीं कर सकते, 8 ही रहेगा ऑलवेज इस ट्रायंगल का। जितनी भी ट्रायंगल बनेंगी 8 पेरीमीटर की, जिसकी एक साइड 3 हो। देखो 3 साइड लेकर हम और भी ट्रायंगल बना सकते हैं, इसको छोटा बड़ा करके एक साइड को, जैसे ये भी बन सकती है एक ट्रायंगल, ऐसे और भी बना सकते हैं। ठीक है, तो सी हमने 3 सेंटीमीटर मान लिया, तो पेरीमीटर क्या होगा इस ट्रायंगल का? ए प्लस बी प्लस सी, सभी साइड का सम, सभी साइड का सम आएगा ए प्लस बी प्लस 3, और पेरीमीटर गिवन है 8, तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई है। दिस इम्प्लाइज ए प्लस बी इज इक्वल टू 8 माइनस 3 5, दिस इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू 5 माइनस ए, बी की वैल्यू आ गई 5 माइनस ए। अब हमें तो एरिया की बात करनी है, तो ट्रायंगल की अगर साइड गिवन है तो हीरोज फार्मूला से हम एरिया लिखते हैं, ए इज इक्वल टू रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और एस क्या होता है? हाफ ऑफ पेरीमीटर, एस होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, और ए प्लस बी प्लस सी बाई टू कितना है? 8 बाई 2, कितना है? 4, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है? पेरीमीटर, तो पेरीमीटर गिवन है 8, तो ये 4 आ गया। अब इनकी वैल्यू रख देता हूँ मैं इसमें, ए में क्या बनेगा? देखो 4 इंटू 4 माइनस ए, 4 माइनस बी की जगह वैल्यू रख देंगे ये 5 माइनस ए, और 4 माइनस 3, सी की वैल्यू 3 मान रखी हमने। यहाँ से एरिया आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू रूट 4 इंटू 4 माइनस ए, और 4 माइनस 5 कितना हो जाएगा? -1 प्लस ए, और इंटू में 1, ये आ गया। 4 का रूट तो क्या आ जाएगा? 2, तो ये बन गया 2 इंटू 4 माइनस ए इंटू ए माइनस 1। इसकी हम अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 की ऐसे करेंगे 4a-4 - a² प्लस ए, तो ये वैल्यू आ गई रूट 2, तो बाहर रहेगा 5a-a² - 4। अब इसका हम एरिया जो है, इस एरिया को मैक्सिमम देखना चाह रहे हैं। मैक्सिमम एरिया कब आएगा? जब मैक्सिमम एरिया हो उस टाइम पर जो ट्रायंगल की साइड बनेंगी, तो उस साइड की लेंथ फाइंड करनी है हमें। तो इसका हम ए के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि वेरिएबल कौन है? ए। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू ए, तो dA/dA इज इक्वल टू 2, तो बाहर रहेगा पावर का होगा, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी जो नीचे जाकर प्लस हो जाएगी, और फिर पावर के अंदर जो कुछ है उसका डेरिवेटिव होता है चेन रूल से, पहले पावर का फिर उसके अंदर जो है उसका। तो 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल, वैल्यू आ गई रूट 5a-a² - 4। और ए के रिस्पेक्ट में ए की वैल्यू 1, डेरिवेटिव 1, 5 आ गया, -2a, और 4 का 0 हो गया। 4 मैक्सिमम और मिनिमम इसको किसके इक्वल रखेंगे? 0 के, और मिनिमम dA/dA इज इक्वल टू 0, 0 के इक्वल रखेंगे तो वैल्यू आएगी 5 - 2a/√ 5a-a² - 4 इज इक्वल टू 0। डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई में, तो वैल्यू आ जाएगी 5 - 2a इज इक्वल टू 0, और 5 इज इक्वल टू 2a, दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 5/2, a की वैल्यू आ गई है 5/2। तो a की वैल्यू आ गई है 5/2, ये डेरिवेटिव 0 कब होगा? जब a 5/2 हो।
तो एट ए इज इक्वल टू 5/2 पर हम इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू चेक करेंगे, उसके लिए जो मेथड अच्छा लगे उससे करेंगे हम। डेरिवेटिव आ चुका है इसका, हमारे पास क्या आया है 5 - 2a/, तो इससे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इजी रहेगा एट ए इज इक्वल टू 5/2। तो da/dA इज इक्वल टू 5 - 2a/√, इस सुकेरों को तो हम खोल के लिख लेते हैं, किससे बने थे, 4 - a (a-1), 4 - a (a-1) से बनाया था ये, सो मल्टीप्लाई करिए जब बनाया था ये इनकी मल्टीप्लाई से, तो इसको दोबारा लिख लेते हैं क्योंकि हमें पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना है। ए की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, ए की वैल्यू ए को अलग कर लेते हैं जो कुछ साथ है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, 5/2 - a/√4 - a(a-1). अब हम चेक करेंगे वेन ए इज स्लाइटली लेस देन, जब ए थोड़ा सा कम हो, लेस देन 5/2, 5/2 से ए थोड़ा सा कम हो, 5/2 कितना होता है 2.5, इससे ए थोड़ा सा कम हो, तो देखो 5/2 में से, 5/2 से छोटी संख्या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव। ये लिख सकते हैं ए इज लेस देन 5/2, और इस ए को इधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, 0 से ग्रेटर आ गया 5/2 - a, क्योंकि ए है वो 5/2 से छोटा है, तो 5/2 में से 5/2 से छोटी संख्या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव। और नीचे वाले को देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाहर कैसा साइन है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, जो मर्जी रख के देख लेना चाहिए, तो ऊपर वाली वैल्यू के हिसाब से चलेगा इसमें, तो नीचे तो रूट है, रूट के बाहर पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव वैल्यू, तो ये वैल्यू आ गई यहाँ से, da/dA इज पॉजिटिव, क्योंकि 5/2 - a क्या आ रहा है, पॉजिटिव। अब हम देखेंगे वेन ए इज स्लाइटली ग्रेटर देन, जब ए थोड़ा सा ज़्यादा हो, ग्रेटर देन 5/2, जब ए 5/2 से ज़्यादा होगा तो ए की जगह हम 5/2 से बड़ी संख्या रखेंगे, तो प्लस की संख्या छोटी और माइनस की बड़ी, तो जोड़ के आएगा दोनों का नेगेटिव आएगा, ए इज ग्रेटर टू 5/2, तो यहाँ से हम इसको ए को इधर ले जाएंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 5/2 - a इज लेस टू 0, नेगेटिव आएगी, da/dA इज नेगेटिव, कोई छोटी वैल्यू सोच के भी रख के देख सकते हो, नीचे तो पॉजिटिव आएगा क्योंकि रूट के बाहर क्या है, पॉजिटिव, तो da/dA ने कैसा साइन बदला अपना, पॉजिटिव टू नेगेटिव, सो ये कहेंगे एट एक्स इज इक्वल टू, सॉरी ए इज इक्वल टू 5/2, एरिया इज मैक्सिमम, एरिया क्या आ गया, मैक्सिमम। अब ए तो आ गया, बी और निकाल देते हैं, बी कितना था 5 - a, तो वैल्यू आ जाएगी 5 - 5/2, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 5/2 आ गया, तो दोनों साइड आ गई हैं 5/2 और 5/2, ये पूछा था हमने हमसे। क्वेश्चन नंबर टेन है, प्रूव दैट पेरीमीटर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ गिवन हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल ट्रायंगल का पेरीमीटर गिवन है, सॉरी पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ गिवन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज गिवन है, हाइपोटेन्यूज में कोई चेंज नहीं कर सकते, कॉन्स्टेंट की तरह से काम करेगा क्योंकि वो गिवन है, ये ध्यान रखना है, वेरिएबल नहीं होगा, हाइपोटेन्यूज फिक्स कर दिया गया है, गिवन हाइपोटेन्यूज, जो चीज़ गिवन होगी वो कॉन्स्टेंट की तरह से काम करेगी, गिवन हाइपोटेन्यूज इज मैक्सिमम, पेरीमीटर मैक्सिमम होगा किसी राइट एंगल ट्रायंगल के, हाइपोटेन्यूज जब दिया हो तो उसका पेरीमीटर मैक्सिमम होगा जब ट्रायंगल क्या हो, आइसोसेल्स हो, जब ट्रायंगल आइसोसेल होगी जब उसका पेरीमीटर सबसे ज्यादा होगा, गिवन हाइपोटेन्यूज से राइट एंगल ट्रायंगल हम कितनी बना सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी, बहुत सारी हम ट्रायंगल्स बना सकते हैं क्योंकि एक साइड गिवन है, तो हम राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं, हाइपोटेन्यूज इसका गिवन है, मान लेते हैं एच है इसका हाइपोटेन्यूज कॉन्स्टेंट, लेट एच बी दी गिवन हाइपोटेन्यूज, मान के चल पड़े गिवन हाइपोटेन्यूज एच है इसका,
अब इसकी बाकी बची दो साइड और मान लेते हैं हम, एक्स और वाई। ये वेरिएबल होंगी, ये कम ज़्यादा होती रहेंगी, लेकिन हाइपोटेन्यूज फिक्स रहेगा एच। तो ऐसी कितने ट्रायंगल बनेंगे? इनफाइनाइट मैंने एक्स और वाई को बदलते रहे। उन ट्रायंगल्स में से जिसका सबसे ज़्यादा पेरीमीटर होगा वो कैसी ट्रायंगल होगी? आइसोसेल्स ट्रायंगल होगी। और आइसोसेल ट्रायंगल क्या होती है? जिसकी दो साइड इक्वल हो। तो हम पेरीमीटर को मैक्सिमम लेना चाह रहे हैं तो पेरीमीटर फंक्शन बनाएंगे। पेरीमीटर क्या होता है? किसी ट्रायंगल की सभी साइड का सम, पी भी दी पेरीमीटर मान लिया हमने, लिख लेंगे लाइन। तो पी क्या होगा? एच प्लस एक्स प्लस वाई सभी साइड का सम। यहाँ पर एच तो कॉन्स्टेंट, एक्स और वाई क्या है? वेरिएबल। तो हम एक वेरिएबल में लाएंगे सारी इक्वेशन को, क्योंकि इसमें कितने वेरिएबल आ गए? दो। तो इन ट्राइंगल सी ए बी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। पाइथागोरस थ्योरम हमने क्या पढ़ी थी? हाइपोटेन्यूज का स्क्वेयर बाकी बची हुई साइड के स्क्वेयर के सम के इक्वल होगा। पाइथागोरस थ्योरम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर वाई स्क्वेयर क्या आएगा? एच स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, और वाई की वैल्यू आ जाएगी रूट एच स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। वाई की वैल्यू आ गई रूट एच स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। तो पेरीमीटर आ जाएगा एच प्लस एक्स प्लस रूट एच स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। अब इसमें एक ही वेरिएबल है एक्स, तो हम इसके रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं। मैक्सिमम मिनिमम चेक करना है तो डेरिवेटिव करना पड़ेगा, जो भी वेरिएबल है उसकी रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो ये बनेगा डी पी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एच कॉन्स्टेंट का 0 और एक्स का 1 प्लस, इसका कैसे होगा? पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, 1/2 में से कम करेंगे -1/2, और फिर पावर के अंदर जो कुछ है उसका डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी डी पी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस, पहले पावर का किया था, ये पावर का जो साइन है नीचे आकर प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा रूट एच स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। अब इसका करेंगे कॉन्स्टेंट का 0 और -2x, 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल, और वैल्यू आ गई 1 - x अपॉन रूट एच स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। अब मेथड क्या है फॉर मैक्सिमम और मिनिमम? क्या करते हैं हम? मैक्सिमम और मिनिमम डी पी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। डी पी बाई डी एक्स क्या होगा? 0। दिस इम्प्लाइज 1 - x अपॉन रूट एच स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ये माइनस है, इधर जाकर प्लस हो जाएगा। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, और अब हम स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी एच स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। तो एच स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। दिस इम्प्लाइज एच स्क्वेयर इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर, और एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एच स्क्वेयर बाई 2, और दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू एच बाई रूट 2। स्क्वेयर रूट ले लिया, जो साइड है उनकी लेंथ नेगेटिव नहीं होती, तो पॉजिटिव हमने साइन लिया है रूट के बाहर। तो एक्स की वैल्यू आ गई, इसको सिंप्लीफाई किया, मेथड वही चला रहे हमारे क्वेश्चन में मैक्सिमम मिनिमम के लिए। लेकिन इन क्वेश्चंस में फ़र्क है कि पहले हमें एक फंक्शन बनाना पड़ता है, वो बनाने के बाद उसका हम डेरिवेटिव करते हैं। अब हम चेक करेंगे इसकी वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू एच बाई रूट टू। जो भी मेथड अच्छा लगे उससे करेंगे, इसमें हम डबल डेरिवेटिव करना ठीक रहेगा। तो हम करते हैं डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इक्वेशन 1 का डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये बन जाएगा डी स्क्वेयर पी अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 का 0
और माइनस बाहर रहेगा, अंदर वाले का यू बाई वी से होगा, वी का स्क्वायर नीचे तो, और ऊपर एक्स का डेरिवेटिव 1, वी एज इट इज, और माइनस एक्स एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ रूट एच स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, यहाँ से वैल्यू आ गई माइनस रूट एच स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, इसकी पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी जो नीचे जाकर प्लस हो जाएगी, और एच स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का करेंगे, एच स्क्वेयर का 0 माइनस एक्स स्क्वेयर का माइनस 2x, 2 से 2 कैंसिल, और एच स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, तो डी स्क्वेयर पी बाई डी एक्स स्क्वेयर, एलसीएम लेंगे इसका तो इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, तो वैल्यू आ जाएगी माइनस एच स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर और प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन एच स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू रूट एच स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल, वैल्यू आ गई माइनस एच स्क्वेयर अपॉन एच स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू रूट एच स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। हम एक्स स्क्वेयर की वैल्यू रख सकते हैं, एक्स स्क्वेयर की वैल्यू क्या थी, एच स्क्वेयर बाई 2, यहाँ रखेंगे तो कैसी वैल्यू आएगी, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, एच तो है ही कॉन्स्टेंट पॉजिटिव, बाहर क्या है नेगेटिव, तो क्या रिजल्ट आ गया, नेगेटिव आ गया, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया, तो क्या बन गया मैक्सिमम, तो ये लिखेंगे पेरीमीटर पी इज मैक्सिमम वेन एक्स इज इक्वल टू एच बाई रूट टू। अब हम वाई भी निकाल लेंगे, वाई क्या था रूट एच स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर की वैल्यू रखेंगे इसमें हम, तो ये बन गया रूट एच स्क्वेयर बाई टू, क्या आ गया एच बाई रूट टू। तो ये मैक्सिमम पेरीमीटर कब हुआ, जब लेंथ भी एच बाई रूट टू हो और ब्रेथ भी, सॉरी एक साइड है वो एच बाई रूट टू हो और दूसरी भी एच बाई रूट टू हो, मीन्स ट्राइंगल क्या बन गई आइसोसेल्स। तो ट्राइंगल जब आइसोसेल होगी तो लेंथ और ब्रेथ क्या रहेंगे, सॉरी दो साइड इसकी क्या आ रही है इक्वल, तो ट्राइंगल क्या बन गया आइसोसेल। तो पेरीमीटर क्या रहेगा मैक्सिमम कब रहेगा, जब ट्राइंगल क्या बने आइसोसेल, उसकी दो साइड इक्वल आ रही है, एक्स और वाई की वैल्यू एच बाई रूट टू आ रही है। तो इस तरह से करेंगे इन क्वेश्चंस को हम, एक बार डेरिवेटिव करेंगे, जीरो के इक्वल रखेंगे, फिर मैक्सिमम मिनिमम के लिए डबल डेरिवेटिव चेक करना इजी है इसमें, तो उससे करेंगे, नेगेटिव वैल्यू आ गई तो मैक्सिमम, एक्स की वैल्यू जो थी उस पर आ गई एच बाई रूट टू पर, वाई की निकाल ली, आइसोसेल ट्राइंगल बन गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल हैव लेंथ्स ए एंड बी, ट्रायंगल की दो साइडों की लेंथ बता रखी है ए और बी, फाइंड द एंगल एंड द एंगल बिटवीन देम इज थीटा, उस ट्रायंगल की दो साइडों की लेंथ है ए और बी, उसके बीच का एंगल है थीटा, तो थीटा की ऐसी वैल्यू क्या होगी जिससे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाए मैक्सिमम, आल्सो फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो दो ट्रायंगल, ट्रायंगल की दो साइड हमें गिवन है और उसके बीच का एरिया बता रखा है, सॉरी बीच का एंगल बता रखा है, तो उस ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना है, थीटा की ऐसी वैल्यू क्या होगी कि उस ट्रायंगल का एरिया क्या बन जाए मैक्सिमम, कब उस ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम, देखो थीटा बढ़ाएंगे तो ये साइड ऊपर की तरफ जाएगी, ऐसे और बढ़ाएंगे ऊपर की तरफ जाएगी, ये ट्रायंगल है मान लेते हैं एबीसी, जिसकी दो साइड ए और बी दे रखी, उसके बीच का एंगल थीटा दे रखे है, एयर थीटा इज वेरिएबल, ध्यान देने की बात है थीटा वेरिएबल है और दोनों साइड ये कॉन्स्टेंट है, ये साइड भी वेरिएबल है ए बी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी क्या होगा, लेट ए बी एरिया ऑफ ट्रायंगल, मान लिया ए क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया का क्या फॉर्मूला होता है 1/2 ए बी साइन थीटा, जब दो साइड दे रखी हों तो एरिया का फॉर्मूला होता है ट्रायंगल के एरिया का 1/2 ए बी साइन थीटा। अब इसमें एक वेरिएबल है कोण थीटा, तो थीटा के रिस्पेक्ट में इसका हम डेरिवेटिव करेंगे डी ए बाई डी थीटा 1/2 ए बी, और साइन थीटा का होगा कोस थीटा। अब हम लिखेंगे फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम डी ए बाई डी थीटा इज इक्वल टू 0 कोस थीटा की वैल्यू 0 कहाँ आती है,
जब थीटा कितना डिग्री हो, 90 डिग्री। तो ये मैक्सिमम मिनिमम कहाँ होगा, जब थीटा 90 डिग्री हो। तो अब मैक्सिमम मिनिमम के लिए हम इजी मेथड, डेरिवेटिव इजी है तो उससे करेंगे। तो इसका डबल डेरिवेटिव निकालना इजी है, तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन विद रिस्पेक्ट टू थीटा थीटा के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो ये बन गया डी स्क्वेयर ए अपॉन डी थीटा स्क्वेयर 1/2 ए बी, और कोस थीटा का बना है माइनस साइन थीटा। तो ये वैल्यू चेक करेंगे, पॉजिटिव आ रही है फिर नेगेटिव, तो एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू डी स्क्वेयर ए बाई डी थीटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या आई, 1/2 ए बी माइनस साइन पाई बाई टू, और साइन पाई बाई टू की वैल्यू 1 होती है, तो ये वैल्यू आ गई -2 1/2 ए बी। ये वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है, तो क्या कहेंगे, ए इज मैक्सिमम, मीन्स एरिया क्या आ गया, मैक्सिमम एरिया आ गया। और थीटा की वैल्यू क्या आई है, थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री आई है, पाई बाई टू, और मैक्सिमम एरिया भी निकालना है तो एरिया भी निकाल दो, 1/2 ए बी कोस साइन थीटा था, उसमें थीटा की जगह क्या रख दें, पाई बाई टू, और साइन पाई बाई टू 1 होता है, तो ये एरिया आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल, मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ गया, 1/2 ए बी। तो इस तरह से करेंगे, वेरिएबल का ध्यान रखेंगे, इसमें थीटा वेरिएबल था, दो साइड ट्रायंगल की दी हुई थी ए और बी, और उन दोनों साइडों के बीच एंगल थीटा था, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मैक्सिमम लेना था हमें कहाँ पर होगा, और मैक्सिमम वैल्यू एरिया की क्या होगी।